देखिए ये नई व्यवस्था बनी है कि शुरू में ही सभी अधिकारी संभाग स्तर के और सभी जनप्रतिनिधि जो हैं संभाग स्तर के सभी इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में जो भी राज्य शासन के महत्वपूर्ण निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका क्रियान्वयन अक्षरशः पालन हो और पूरी व्यवस्था में एक कसावट नज़र आए। इस संबंध में विकास कार्य और कानून व्यवस्था संबंधित मीटिंग अभी थी जिसमें कानून व्यवस्था से संबंधित हम लोगों ने अटेंड की है और उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और राज्य शासन के निर्देश थे, लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध, खुले में मांस बिक्री पे प्रतिबंध, चिन्हित अपराधों में सजायाबी का प्रतिशत बढ़ाना और जो आदतन अपराधी हैं उनके जमानत जो हो चुके हैं उनके निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाना, इन सब पे बहुत डिटेल में चर्चा हुई और जो भी माननीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव आए हैं उन्हें कुछ जानकारी चाहिए थी, उन्हें कुछ लिस्ट चाहिए थी जो कार्रवाई हुई है और जो भविष्य में होने वाले हैं वो सभी एसपीज को, एडीजी जोन भी यहाँ मौजूद है, इन सबको प्रदाय की कर दी जाएगी ताकि जो भी कार्रवाई हो सभी के नॉलेज में रहे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जबलपुर संभाग में आयोजित है जिसमें भोपाल से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल डीजीपी सहित सभी अधिकारीगण भी इसमें आए हैं। सभी संभागों के कलेक्टर एसपी और संबंधित अधिकारी भी बैठक में हैं, जनप्रतिनिधि भी सभी यहां पर उपस्थित हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लेकर ऐसे वो तमाम विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं या जो जनहित के विषय हैं उन पर बहुत व्यापक चर्चा आज की इस बैठक में हुई है। विकास कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है और उसके साथ आज जो जबलपुर में एक बड़ा विषय है धान खरीदी का, उसको लेकर भी मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि किसी भी कीमत पर किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। धान खरीदी को लेकर जो भी परेशानियां सामने आई हैं उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और भविष्य में भी ऐसे लोगों के लिए ये स्पष्ट मार्गदर्शन या गाइडलाइन तय होना चाहिए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन किसानों का नुकसान ना हो ये प्रयास सरकार अपनी तरफ से भी करेगी। नई सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक नया प्रयास किया गया है, एक सफल प्रयास किया गया है कि संभागीय स्तर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाए और उसका हल निकले। निश्चित रूप से आज की बैठक से लाइन ऑर्डर की व्यवस्था हो, चाहे भारत विकसित संकल्प यात्रा हो, ऐसे कई मुद्दे, धान की खरीदी हो, उन पर आज चर्चा हुई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। निश्चित रूप से ऐसी संभागीय बैठकें हैं और जिला स्तरीय बैठकें हैं जो पुल का काम करती हैं और अधिकारियों पर इस बात का दबाव भी डालती हैं कि अगर कोई कहीं परेशानी है आम जनता को और लाइन ऑर्डर में या कहीं पे भी कोई ऐसी तकलीफें हैं उसकी अधिकारियों के सामने जनप्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं, हमने भी अपनी बातें रखी हैं और निश्चित रूप से इसका एक अच्छा हल निकलेगा और जनता को इससे ऐसी बैठकों के माध्यम से राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और 3 तारीख को वो जबलपुर आ रहे हैं और ऐसी समीक्षा बैठक के बाद उनके सामने हम जबलपुर के संभाग की जो समस्या है उनको रहा। आपने पीएम आवास योजना का मुद्दा भी उठाया कि यहाँ पर भारत विकसित यात्रा के माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा संकल्प यात्रा जो प्रारंभ की गई है जिसमें शिविर लगाए जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस के माध्यम से अधिकारी और सरकार उनके द्वार पर पहुंचकर उन पात्र लोगों को लाभ दिलाने का काम कर रही केंद्र सरकार की योजनाओं का। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी चिन्हित किया गया था जिसके वहां पे बैनर को लगा था लेकिन उन शिविरों में उसमें कोई व्यक्ति या कोई जिम्मेदार व्यक्ति उस प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली दूसरी तीसरी किस्त के बारे में कोई फार्म नहीं भर रहा था उसके बारे में आवाज उठाई और आने वाले समय में जो विस्तृत यात्रा वगैरह शिविर लग रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को भी देखा जाए और अच्छे से किया जाए उसका निर्देश माननीय मंत्री।